25वां अध्याय पुरंजनोपाख्यान का प्रारंभ। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्धान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख की आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारारण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूं। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा। फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला, तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था, और सोने चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहां तहां अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आस पास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे, उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जलकणों से मिली हुई वासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे, और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के वन्य पशु भी मुनि जनोचित अहिंसादि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता था। वहां बार बार जो कोकिल की कूह ध्वनि होती थी, उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100-100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटिप्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नुपुरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार अंचल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम से मटकती भौहें और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर
वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुरवाणी में कहा, कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, साध्वी इस समय आ कहां से रही हो, भेरु इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो, सुभ्रु तुम्हारे साथ इस 11वें महान शूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन है, और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है। सुंदरी तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा रमा और ब्रह्माणी में से कोई हो, यहां वन में मुनियों की तरह एकांत वास करके क्या अपने पतिदेव को खोज रही हो, तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का कीड़ा कमल कहां गिर गया, सुभगे तुम इनमें से तो कोई हो नहीं क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो, देखो मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है, तुम्हारी लजीली और रतिभाव से भरी मुस्कान के साथ भवों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है, इसलिए सुंदरी अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। शुचिस्मिते सुंदर भौहें और सुगढ़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है, तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं, जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया, वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी, वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हैं। वीरवर आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती, मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है, प्रियवर ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है, शत्रुदमन आप यहाँ पधारे यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आपका मंगल हो, आपको विषय भोगों की इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी, प्रभु इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए, भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी, दूसरे लोग तो न रतिसुख को जानते हैं न विहित भोग को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं, अतएव पशुतुल्य हैं। अहो इस लोक में गृहस्थाश्रम ही धर्म अर्थ काम संतान सुख मोक्ष सुयश और स्वर्गादि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है, संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते, महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर देव ऋषि मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है, वीर शिरोमणि लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध उदार चित्त और सुंदर पति को वरण न करेगी, महाबाहो इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त न ललचाएगा, आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा, गायक लोग सुमधुर स्वर में जहां तहां राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे, जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता, उस नगर में जो 9 द्वार थे उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे, उस नगर का जो कोई राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे, राजन इनमें से 5 पूर्व 1 दक्षिण 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे, उनके नामों का वर्णन करता हूं, पूर्व की ओर
खद्योता और आविर्मुखी नाम के दो द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के दो द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख्या नाम का जो पांचवा द्वार था उसमें होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ क्रमशः बहुदन और आपण नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नाम का द्वार था उससे श्रुतधर के ही साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था, तथा निर्रिति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशस्कृत ये दो नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विशुचीन के साथ अंतःपुर में जाता तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। वह जब मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता और जब कुछ चबाती तब आप भी वही वस्तु चबाने लगता था। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। 26वां अध्याय, राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईशादंड, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वजदंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साज बाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दया शून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकतानुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है वह उस कर्मानुष्ठा से प्राप्त हुए ज्ञान के कारण भूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयता पूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वे इसे सह नहीं सके। इस प्रकार वहाँ खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय,
कृष्णमृग, साही तथा और भी बहुत से मेध्य पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया। वहां उसने यथा योग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने। तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त, हृदय में आनंदित, मद से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई न दी। प्राचीन वरही, तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की ही तरह कुशल से हो ना? क्या कारण है आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पति परायणा भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है? स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रुदमन, देखिए वे बिना बिछौने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रियसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में भी बहुत कुशल था, इसलिए अब पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख है उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली और मनोहर भवों से शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कानमय चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुखारविंद कैसा मनोमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और न कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोकाश्रुओं से भीगा तथा बिंबाफल सदृश अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा है। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामिनी स्वीकार नहीं करती। 27वां अध्याय। पुरंजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई तथा कालकन्या का चरित्र। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजन आदि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामिनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता न चला। मद से छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य शैया पर पड़ा रहता। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत्त हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। राजन,
इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी अधिक क्षण के समान बीत गई। प्रजापते उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीलता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। ये पौरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100-100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र, पौत्र, गृह, कोष, सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में ही बंध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यक्ष की दीक्षा ले, तरह तरह के पशु हिंसामय घोर यज्ञों से देवता, पितर और भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालने में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियां भी हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। गंधर्व राज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया, तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागर ने रोका। यह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्यंभावी भय का उसे पता ही न चला। बरहिष्मन, इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। एक बार राजऋषि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दुस्सह शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर न ठहर सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वरण किया और कहा, वीरवर, आप यवनों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, ये दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ हैं, अतएव शोचनीय है। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना ही है। काल कन्या की बात सुनकर यवनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्म जनित लोक को तू अलक्षित होकर बलात् भोग। तू मेरी सेना लेकर जा। इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी। कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह प्रज्वार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा।